देश में पहली बार लाखों की तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो बीजेपी को तो तकलीफ तो हो गई। इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद उनका जो है वो जोरदार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा उनका पटना एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़े के साथ तेजस्वी यादव का स्वागत पटना एयरपोर्ट पर किया गया है। तेजस्वी यादव ने पटना आते ही जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा नौकरी दी जा रही है उसको लेकर बड़ी बात कही है। किस तरीके से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पटना एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है और किस तरीके से उन्होंने तमाम बातों को कहा है, सुनिए इस बयान को। देश का और बिहार का प्रोडक्शन का वो लगा हुआ था और बिहार का पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और बिहार का था, उसका उन्होंने उद्घाटन भी किया और भी अलग अलग राज्यों के थे देश में, उसमें भी हम लोग शामिल हुए थे। साथ ही साथ सारी चीज़ों पर जो है बिहार डायस्पोरा जो है वहाँ भी हम लोग जो है सभी लोगों से, बिहारियों से जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे भी मुलाकात की है। आज ऐतिहासिक दिन है और जो महागठबंधन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोग सब लोग मिलकर के हम लोगों ने पूरा किया है और ये सिलसिला जो है यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत है। बीजेपी कह रही है कि पैसे लेकर नौकरी दी जा रहा है, फर्जीवाड़े की बात आरोप लगा रही है। उनको भगवान जो है, भगवान जो है, भगवान का आशीर्वाद जो है उन पर रहे। सही से जो है बीजेपी के लोग जो है उनको पता होना चाहिए, महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिली, विज्ञापन निकाला गया, फॉर्म भरा गया, पार्टिसिपेट हुआ एग्जामिनेशन में, रिजल्ट आ गया। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई है और पूरे देश में पहली बार लाखों की तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो बीजेपी को तो तकलीफ तो हो गई, तो परेशान है, घबराए हुए लोग हैं। और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे और फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे, तो ये तो अब सिलसिला जो है चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, वो लोग जो कहते हैं वो जुमलाबाजी होता है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहता है। अरे भैया, बीजेपी के लोग 18 साल रहे ना बिहार सरकार में, केंद्र की सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार रही, क्यों नहीं हजारों में भी नौकरियां दी, दे देते नौकरी। नरेंद्र मोदी 50,000 नीतीश कुमार ने कहा है कि क्रेडिट लेने की मोदी सरकार ने कहा है। देश के जो सबसे ज्यादा जो महानायक है तो उनका नाटक तो चलबे ना करेगा, महानायक का है भाई। आप लोगों को समझना चाहिए, क्रेडिट की बात ही नहीं है ना। हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार इसीलिए बनी है ताकि हम लोगों को नौकरियां दे। एक समाजवादी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने एक विभाग ने इतनी नौकरियां दी। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है,